हो, यहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हो, कल्चर एक्सप्लोर करते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो आपका जो लाइक माइंडसेट है ना वो बहुत ब्रॉडली गया। फनी बात ये है कि मैंने अपने 13 साल के करियर में जिसमें मैं बहुत है, कुछ नहीं यार, मतलब एक यूरोप में लगा, पूरा यूरोप में तो और दैट्स इट एंड यू कैन ट्रैवल ऑल द कंट्रीज। हां यूरोप में तो सारे सॉरी टू फर्स्ट ऑफ ऑल many many happy returns of the day when of we what day? When we came to Germany, yeah. It has been two so years. So guys, yesterday we completed our 2 years in Germany. And so ये जो ये anniversary है यहाँ की। Yes. हम लोग 27th January को ही land किया थे। 27th January 2022. लेकिन तब उस टाइम पे हम लोग दूसरे डिफरेंट सिटी में लैंड हुए थे। इस साल हम लोग दूसरे सिटी में, तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस 2 साल का? हमने सोचा चलो अब 2 साल कंप्लीट हुए हैं तो हम आपसे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन शेयर करें, और 2 साल हमारे कैसे रहे जर्मनी में, हाउ इज़ आवर एक्सपीरियंस अंटिल नाउ। सो तो क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें जर्मनी में? देखो अच्छा तो बहुत कुछ लगा है, नो डाउट। ठीक है, देखो सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी, 2 साल में रे तूने 13 कंट्री विजिट कर लिए हैं। दो बहुत ज्यादा, ये 13 कंट्री बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है। हाँ। इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो कई और लोग बहुत ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं, लेकिन स्टिल वी वुड गिव अ थम्स अप कि हम लोगों ने 13 कंट्री और हमने सबसे ज़्यादा कंट्री जो है ना वो पहले ईयर में कंप्लीट किए। हाँ सेकेंड ईयर में हमने मेनली इटली ही कवर किया एंड उसके बाद हम इंडिया ट्रिप पे थे, बट फर्स्ट ईयर में वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसमें सरप्राइजिंगली बात ये है, सरप्राइजिंगली क्या फनी बात ये है कि मैंने अपने 13 साल के करियर में जिसमें मैं ट्रैवल करता था फ्रिक्वेंटली, मैंने 17 कंट्रीज विजिट किए और रितु ने 1 साल में जर्मनी आते ही 13 कंट्री विजिट कर डाले। एक डेढ़ साल मतलब 13 तो नहीं बोलेंगे, 12 हो गए, 12 उससे पहले तो केवल थाईलैंड ही विजिट किया ना, 12 कंट्री विजिट कर लिए। तो देख लो 10 साल के कंपैरिजन में तो जर्मनी आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे अच्छा मतलब कोई आपको हैसल नहीं है, लाइक आपको कि वीजा लगवाना है, कुछ नहीं यार, मतलब एक यूरोप वीजा में, पूरा यूरोप में तो वीजा और दैट्स इट एंड यू कैन ट्रैवल ऑल द कंट्रीज। हां यूरोप में तो सारे कंट्रीज को आप यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कहीं पे भी आप विजिट कर सकते हो वीज़ा फ्री हैसल से। अगर आपके पास शेनिगन वीज़ा है या जैसे हम लोगों के पास रेसिडेंट परमिट है तो ट्रैवलिंग के साथ जो हमने बताया कि लाइक मैंने कितने कंट्रीज़ कवर की, उसके अलावा मतलब कंट्रीज़ तो देखने को मिलते हैं ऑब्वियसली, तो आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, आपको डिफरेंट प्लेसेस विजिट करने को मिलती हैं, कुछ लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल्स, लाइक वीनस में इट्स अ सिटी ऑफ कैनाल्स, सेम लाइक हैम्बर्ग, एम्स्टरडैम, ठीक है, वीनस, एम्स्टरडैम, हैम्बर्ग, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली आप दुनिया घूमते हो, यहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हो, कल्चर एक्सप्लोर करते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो आपका जो लाइक माइंडसेट है ना वो बहुत ब्रॉड होता है। दिस इज माय पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू से? हाँ मतलब ट्रैवल मेक्स द मैन परफेक्ट, मतलब इट्स अ बिग सेइंग, मे नॉट बी परफेक्ट बट यू मैन स्पेशली वुमन क्या हाँ, I won't say perfect, but it's like आपको दुनिया बहुत देखने को मिलती है यार, सी, और जितनी दुनिया देखोगे ना उतना आपको चीज़ें पता लगती हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है आप यूरोपियन के यूरोप के किसी भी सिटी में जाओ तो यहाँ पर लगभग 20-25 कंट्री जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम रीजन में हैं, तो यू कैन ट्रैवल ऑल अराउंड। बाकी ब्यूटीफुल प्लेसेज हैं यूरोप में, कई सारे ब्यूटीफुल, अभी तो देखो हमारे बहुत कंट्रीज रहते हैं हम बकेट लिस्ट में जो हैं, लेट्स सी कि वो कब मटेरियलाइज हो पाते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, स्विट्जरलैंड अभी पेंडिंग है। ऋतु अभी पेरिस नहीं गई है, मुझे पेरिस इतना अच्छा नहीं लगता, मैं पेरिस 4-5 बार, मतलब मुझे ऐसा क्रेज नहीं है पेरिस का क्योंकि इन्होंने इतना बुराइयां कर दी हैं पेरिस की, तो हां मतलब फॉर मी इट्स वेरी हाइप वाला प्लेस है। वर्क लाइफ बैलेंस की जगह वर्क
कल्चर ज्यादा अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस में? वर्क लाइफ बैलेंस देखो यार, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. हम जनरलाइज नहीं बोलेंगे कि हाँ सबका ही वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, बट वर्क कल्चर मोस्टली वर्क कल्चर अच्छा है, नो डाउट अच्छा है. यहाँ पे आपका बॉस है इस तरीके से, मतलब बिल्कुल आपके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ता. दो कई सारे इंडियन कंपनीज में भी MNC जो है वहाँ पे काफी अच्छा कल्चर हो चुका है, बट हियर स्पेशली आई हैव फेल्ट दैट इट्स रियली अ गुड कल्चर ओवर हियर. मतलब आपका बॉस ही डज नॉट बिहेव लाइक यू आर सर्वेंट ऑफ दैट कंपनी और वो मालिक है, वैसा वाला कुछ नहीं करता है. Yeah. इधर की तरफ वो नहीं आ रही है, ठीक नहीं आ रहा भाई. इट्स फाइन. और देखो दूसरा पॉइंट जो है ना, लेकिन वर्क कल्चर के इसके वर्क कल्चर में अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी में अगर आप जॉब करते हैं या आपको जॉब मिलती है तो आपको 30 days की लीव मिलती है वेकेशन, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अनलिमिटेड सिक लीव, ठीक है. इंडिया में तो ये बहुत सारी मतलब कई सारे सेक्टर्स में 30 days की लीव इज लाइक अ ड्रीम. एंड इवन इफ यू हैव द लीव्स यू कैन नॉट टेक ऑल दोस 30 लीव्स इन अ ईयर. हाँ मतलब आप एक साथ तो ले ही नहीं सकते. यहाँ पे जो है कुछ कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट लाइक आई कैन से इन माय करंट कंपनी 20 days आप कंसेक्यूटिव ले सकते हो, डेज 20 days ऑफ वेकेशन आप एक साथ ले सकते हो. हाँ मतलब यहाँ पे कोई आपसे छुट्टी लेने पे ये नहीं पूछता कि आप किस चीज के लिए छुट्टी ले रहे हो. जैसे इंडिया में तो होता है आपको शादी के टाइम पे ही 2 या 3 weeks की लगातार मिलती है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं है. एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं. हाँ और दूसरी बात मैं बोलूँगी इसी पे, अगर आप नोटिस पीरियड में हैं यहाँ पे आप उसमें भी लीव ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि नोटिस पीरियड में आपको लीव्स अलाउ नहीं है. इंडिया में ये बहुत स्ट्रेंज थिंग कि आप नोटिस पीरियड में कई सारी मोस्टली कंपनीज में इंडिया में भी MNCs आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द कंपनीज हु हैव रियली गुड कल्चर, बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कंपनीज वो अलाउ नहीं करते कि नोटिस पीरियड में आप कोई वैकेशन लें. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. इवन वर्क लाइफ बैलेंस में हम बात कर रहे थे. हाँ तो तुम मतलब कुछ कंपनीज में तो शायद ऐसा भी है कि आपको लॉग ऑफ और लॉग इन के बीच में कम से कम आपके पास 11 hours का गैप होना चाहिए. उससे कम का अलाउड नहीं है, बिकॉज दे थिंक कि आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए आपके माइंड को और प्रॉपर आपको फैमिली टाइम देना चाहिए. अब वर्क लाइफ बैलेंस में ये चीज़ भी हो जाती है यहाँ पे कि आपको लाइफ के सारे अदर काम जो भी हैं वो आपको खुद करने हैं. हाँ मतलब देखो वर्क लाइफ बैलेंस बोलते तो है, बट फिर वही है कि आपके पास यहाँ पे मेड वगैरह तो होती नहीं है, तो आपको घर के सारे काम. तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि घर में भी कितनी अच्छी धूप आ रही है बाहर से. बहुत अच्छा सनी डे आज एक्चुअली, और टेम्परेचर भी अच्छा है 10 degrees तक है. तो 10 degrees में इस तरीके की धूप बहुत अच्छी होती है. अभी मन तो हो रहा था कि सो जाए, लेकिन ऋतु को कहना था कि पूरी वीडियो मुझे लगा यार वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है. मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सब अर्बन एरियाज में या फिर जो विलेज एरियाज हैं वहाँ पे आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा. आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर मिलेगा, बस ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर मिलेगा आपको. इवन छोटे से विलेज में आपको बस पहुंचती हुई ट्रेन पहुंचती हुई दिखेगी अच्छी तरीके से, अच्छी फ्रीक्वेंसी, ठीक फ्रीक्वेंसी के साथ. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर बर्लिन विद यार इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं कैसे बात करूं, जैसे अगर यहाँ बारिश हो जाती है ना, मैं सही बताऊं मुझे बारिश हो जाती है ना इंडिया में मुझे बहुत ही गंदा लगता है, किचकिच हो जाता है और मुझे मन नहीं करता बाहर जाने का. बट यहाँ पे बारिश हो जाती है ना यार 10 minutes बाद बारिश के खत्म होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बारिश हुई है यहाँ पे. मतलब क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मतलब मुझे पहली बार यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मुझे बारिश अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है बारिश में बाहर निकलना, आप ये कह सकते हो. हाँ तो इवन अगर आपको स्नो पड़ती है तो ऐसा नहीं कि स्नो, एटलीस्ट मेन रोड से तो स्नो आपको आज पड़ी है कल तक मेन रोड से स्नो हटा दी जाती है ताकि आपके ट्रांसपोर्टेशन में आपके ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हाँ ओवरऑल ट्रैवल, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सेफ्टी वाइज भी आल्सो रोड्स पे. हाँ रोड्स की सेफ्टी, मतलब आप रात को जा रहे हो तो प्लस अगर इवन आप वॉक भी कर रहे हो जैसे पेडिस्टेरियन उस पे तो लाइक यू आर क्वाइट सेफ. मतलब ऐसा नहीं है आपको किसी भी रोड पे ऐसा नहीं मिलेगा अनलेस यू आर वॉक मतलब गोइंग टू ऑटोबान और समथिंग लाइक दैट.
अदरवाइज सिटी में कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉक्स पेडेस्ट्रियन वेज नहीं होंगे। पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इवन यहाँ पे लोग जो कार चला रहे हैं वो भी स्पेशल प्रिकॉशन रखते हैं रिलेटेड टू द पेडेस्ट्रियंस और बाइसाइकिलिस्ट के लिए। एक चीज और यहाँ पे जैसे हम लोग दिल्ली में और कई सारे एनसीआर सिटीज में हम देखते हैं कि ब्रिज बना दिए जाते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए, मैं कहूँगा वो सबसे बेकार चीज है। ब्रिज बनाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप रेड लाइट लगाइए, पेडेस्ट्रियन क्रॉस वेज बनाइए, क्रॉस पाथ्स बनाइए ताकि और उसको फॉलो करें लोग, तो ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि एक पेडेस्ट्रियन जो मतलब दो मंजिल तीन मंजिल चढ़ के जा रहा है। कई बार तो लिफ्ट्स भी काम नहीं कर रही होती है यार उसमें भी, तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है कि यार आपको इतना ऊपर चढ़ के रोड क्रॉस करने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर वो मजबूरी में फिर बीच से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, विच इज नॉट सेफ एट ऑल राइट। यहाँ हमने एटलीस्ट सिटी के अंदर कहीं पे भी पेडेस्ट्रियन क्रॉस ब्रिजेस नहीं देखे अंटिल अनलेस की बहुत मतलब कोई ऑटोबान बीच में जा रहा हो या कोई मेजर हाईवे बीच में जा रहा हो तब भले ही वो लोग ब्रिज बनाते हैं, अदरवाइज फॉर दी नॉर्मल सिटी रोड्स दे प्रेफर टू हैव दी रेड लाइट्स जिसमें कि पेडेस्ट्रियन आसानी से क्रॉस कर सके। यस सो और क्या अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पे? ये अभी हम प्रोज की बात कर रहे हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आएंगे ठीक है। हाँ मतलब अगर बने रही है मतलब ऐसा नहीं हाँ, कि अभी हम समझिए कि हम केवल जर्मनी का वो सारी हम लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ हम लोग वो भी बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हमने फेस करी दो साल में या क्या चैलेंजेस रहे हम क्या चैलेंजेस रहते हैं। तो बाकी हाँ मेडिकल के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मेडिकल यहाँ पे पूरा फ्री है एज अ सोशल सिक्योरिटी, और मतलब हर इंसान को यहाँ पे पेंशन मिलती है अगर इफ ही हैज गिवन द टैक्स, तो मेडिकल आपका पूरा फ्री होता है गवर्नमेंट टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट इंश्योरेंस। अगर आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो उस टैक्स में आपकी सोशल सिक्योरिटी भी होती है जिसमें कि जैसे कि आपको बाद में पेंशन भी मिलती है आफ्टर 60 इयर्स। हाँ अगर आपने कुछ टाइम तक टैक्स दिया है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हम ये बात तो बताना भूल ही गए, अगर आपकी बाय चांस यहाँ पे जॉब चली जाती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपने मिनिमम 1 ईयर तक टैक्स पे किया है। 12 मंथ्स तक टैक्स पे किया है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप ये नहीं कि वो अनलिमिटेड रहता है, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड तक रहता है बट स्टिल यू गेट दैट। लेकिन यहाँ पे टैक्स की रेंज भी ज्यादा है, 42% एवरेज टैक्स है बट डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है आप पे, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से जर्मनी का टैक्स क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पूरा फाइनेंस वाली चीजें थोड़ी टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे टैक्स ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड है, हर एक के लिए अलग होता है। लेकिन जब भी हम टैक्स देते हैं तो लगता है कि हाँ टैक्स का कुछ बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशन एक्सेट्रा। तो ये चीज अच्छी थी मेडिकल का, और बाकी एक बच्चों के साथ बच्चों को यहाँ पे मिलता है 250 यूरो। हाँ, अगर आपके फ्री बच्चे हैं तो आपको लाइक पर किड आपको 250 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और बच्चों की एजुकेशन फ्री है अगर वो जर्मन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल में डालते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, बट अगर आप जर्मन उसमें डालते हो, जर्मन पब्लिक स्कूल की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, हमारे आगे सरकारी स्कूल दिल्ली के स्कूल पे भी हम लोग कहेंगे कि काफी अच्छे हैं, लेकिन बाकी अदर सिटीज में थोड़ी सी मतलब कोई नहीं पढ़ाना चाहता। प्लस जो जैसे अगर आप यहाँ से बैचलर्स या मास्टर्स करते हो तो उसमें भी जो आपकी ट्यूशन फीस रहती है वो काफी यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में तो अभी तक नहीं थी, बट लास्ट ईयर से शायद मिड से ऐसा कुछ हुआ है कि थोड़ी मिनिमल इन्होंने डाली है। तो एजुकेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट। तो ऋतु ने अभी हम लोग आगे बात करते तो मैंने सोचा यार थोड़ा ब्रेक लेके ना टी एंजॉय की जाए, टी एंजॉय की जाए, मिंट टी। तो ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा लगता है जब धूप आ रही हो और विंड टी साथ में हो आपके और थोड़ा सा कोजी एनवायरनमेंट हो। तो हम कहाँ पे थे जर्मनी के बारे में एक्सपीरियंस बता रहे थे, प्रोज बता रहे थे, हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोज बता दिए मतलब हाँ अगर ब्रीफ में देखा जाए तो लगभग सारे हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे कवर कर लिया है। हाँ और रिलेटेड टू द कॉन्स इफ यू आर मूविंग टू जर्मनी तो देखो सबसे पहला कॉन्स होम सिकनेस, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि होम सिकनेस बहुत फील होती है और
आते ही तो बहुत ज्यादा लगेगी, जैसे आप आओगे तब आपको लगेगा यार क्या है, कहाँ आ गए हम, गलत डिसीजन ले लिया क्या, और ऐसे बहुत बहुत थॉट्स आएंगे। प्लस ऑब्वियसली शुरू में आते आपके फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेंगी हर चीज। और स्पेशली इस होम सिकनेस आपको तब ज्यादा लगती है जब आपको लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो होम सिकनेस इसलिए भी है कि क्या कहते हैं, एक तो फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हम एवरी अदर सेकंड वीकेंड हम लोग सोचते थे यार क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्यों आ गए। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ट्रैवल करो, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था। समर्स में ही आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, विंटर्स में तो यू हार्डली ट्रैवल, राइट। और फ्रेंड्स नहीं बन पाते, उसका एक मेजर कंस्ट्रेंट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ सिटीज को छोड़ के ज्यादातर सिटीज में जर्मन लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ मस्ट फॉर योर डेली थिंग्स। तो लैंग्वेज नहीं है तो यू कैन नॉट बी प्रॉपरली इंटीग्रेट, यू कैन नॉट मेक मच मोर फ्रेंड्स। दो वी हैव सम गुड जर्मन फ्रेंड्स हु कैन स्पीक इंग्लिश स्टिल, मतलब अगर आपको प्रॉपरली इंटीग्रेट होना, जैसे इंडिया में भी अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह, ये कह लो कि आपको किसी के साथ बहस करनी है, लड़ना है, तो आपको लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है, फिर आप तो ये सब कर ही नहीं सकते। प्रॉपरली इंटीग्रेट होना है कि बात करनी है, इवन आप कितनी देर तक इंग्लिश बात कर सकते हो, आप घर पर भी यूज करोगे तो कितनी देर तक इंग्लिश यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ भी होता है कि दोस्तों के साथ तभी फीलिंग आती है या फ्रेंड्स के साथ तभी सर्कल बन सकता है जब आप लोकल लैंग्वेज अच्छी तरीके से। तो वी वुड से द बिगेस्ट कंस्टेंट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज, होम सिकनेस, फूड थर्ड तीसरा। हाँ मतलब फूड यार, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आई वुड से इट्स गोइंग टू बी वेजिटेरियन। हाँ वेजिटेरियन मतलब देखो वैसे भी कोई दिक्कत है बट ऑप्शंस कम रह जाते हैं बस। हाँ, वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं फूड, आपको हर जगह मिल जाएगा, वेगन ऑप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। मेरी ऑफिस कैंटीन में वेगन ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं, और एक नहीं दो तीन एटलीस्ट ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, बट अब आप बोलो वो टेस्ट, वो ऑथेंटिसिटी, वो नहीं मिलेगी आपको। स्पेशली स्ट्रीट फूड है वो तो आप भूल जाओ। मतलब स्ट्रीट फूड तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, आपको इंडियन रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। मतलब अगर आप जर्मनी में रहकर इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप फूड खाते हो तो एक्सपेंसिव है काफी। हाँ मतलब एटलीस्ट आप लगाओ मिनिमम 40 यूरो दो लोगों का। हाँ 40 यूरो दो लोगों का या 20-22 यूरो एक बंदे का रहता है, रहेगा आपका, जो कि मिनिमल है। इसके अलावा कितना भी एक्स्ट्रा वेगेंट आप हो सकते हो। तो खाना हाँ बहुत मिस करते हैं, इवन हम लोग जब दिल्ली गए थे इस बार इतना ज्यादा खाया था हम लोगों ने स्ट्रीट फूड, बिकॉज वी आर क्रेविंग लाइक एनीथिंग। वो आपने दूसरी वीडियो देखी होगी, हमारी ट्रैवल सीरीज चल रही है इंडिया की ट्रैवल सीरीज, नहीं देखी है तो आप देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फूड हो गया और क्या है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है, इजिली नहीं मिलती है। अगर आपका पब्लिक इंश्योरेंस है और अगर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो एक महीना डेढ़ महीना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे साथ तो एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग नवंबर के पहले इंडिया जाने से पहले मैंने एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी दिसंबर की, ताकि हम लोग आके मैं तुरंत जा सकूं डॉक्टर के पास। लेकिन बाय चांस उस दिन रेलवे स्ट्राइक थी तो मेरी ट्रेन मिस हो गई या बाकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं थोड़ा सा लेट पहुँच पाऊँगा, मैं टैक्सी करके जाने लगा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, हम आपको अब उन्होंने कहा सिर्फ आई थिंक 5 या 10 मिनट्स वेट करेंगे, हम 10 मिनट्स के ऊपर वेट नहीं कर सकते। अगर आप 10 मिनट्स में नहीं पहुंचते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर दी जाएगी। तो मेरी अपॉइंटमेंट डेढ़ महीने बाद की अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो दी उन्होंने वो डेढ़ महीने बाद की थी। तो मतलब यहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और एक चीज मतलब जो लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार भी हो रखा है तो वो दवाई नहीं देंगे। वो आपको घर जाके एक ग्रीन टी पीने के लिए कहेंगे एंड आराम करने के लिए कहेंगे, और एक नोट लिख देंगे कि आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, सिक नोट वो अपने आप दे देंगे। एक बार वो सिक नोट मिल गया तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आप ऑफिस आके काम करो। तो ये वर्क कल्चर की वो है और प्लस सोशल कल्चर की है। लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक देना बहुत मतलब एंटीबायोटिक तो ये देते ही नहीं है, देते ही नहीं मतलब दे, एक बार strictly prohibited. ये चले गए थे, इनको तबियत खराब हुई थी तो एंटीबायोटिक खा के चले गए। फिर उसने पूछा आपने कोई मेडिसिन खाई है, तो इन्होंने बोला हाँ मैं इंडिया से एंटीबायोटिक लाए थे वो खा ली। देन शी वाज
नॉट हैप्पी विद दैट राइट. हाँ हाँ तो वो मतलब एंटीबायोटिक नहीं देते, वो चाहते कि आप सेल्फ इम्यूनिटी के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से वो करो, विच इज ऑल्सो गुड थिंग. बट समटाइम्स बिकॉज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है दवाई खाने की, तो हम लोगों को थोड़ा सा और लगता है. बट डॉक्टर अपॉइंटमेंट इज वन ऑफ द मेजर हैसल ओवर हियर. ठीक है, ये हो गया. जो चैलेंजेस हमें रहे अगर दो साल की मैं बात करूँ तो उसमें देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो कि आई थिंक मेजर सिटीज में हर जगह रहता है, हाउसिंग का. घर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था हम लोग को. मतलब हम हैमबर्ग से यहाँ का घर ढूंढ रहे थे, सेम सिटी में रह के मुश्किल हो जाता है, और हम तो दूसरे सिटी से यहाँ के लिए देख रहे थे. हमारे लिए मतलब ऐसा हो गया था, और हमारी रिक्वायरमेंट भी थी कि हमें ना फर्निश्ड हम प्रेफर कर रहे थे घर, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था. तो हमें ये वाला जो जिसमें हम रह रहे हैं ये थोड़ा सा सिटी से बाहर मिला, बट वी वर लाइक यार जो मिल रहा है ले लेते हैं, अभी बस हमें चाहिए था किसी भी तरह. बट मूविंग होने के बाद हम लोगों को ये घर इतना पसंद आया, अब हमें ये इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं इसके बारे में. स्पेशली जो धूप है ना इस घर की सबसे बेस्ट बात यार, कहीं पे भी आप चाहे लिविंग रूम में हो चाहे बेडरूम में हो, पूरी आपको धूप एकदम अच्छे से आती है. वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, और हाँ, प्लस सामने जो व्यू है ये घर, हाँ व्यू तो है, व्यू बहुत अच्छा है, वार्म इतना है कि हम लोगों ने हीटिंग चलाई ही नहीं है. हीटिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो हमारा पिछला जो हैम्बर्ग का घर था वो इतना ठंडा था कि हमें बहुत ज्यादा हीटिंग ऑन करके रखनी पड़ती थी उसमें. तो ये चैलेंजेस रहे हैं मेनली, तो और ये मेजर चैलेंजेस होते हैं किसी भी न्यू कमर्स के लिए. दूसरा यहाँ पे एक और सबसे बड़ा चीज है कि आफ्टर टैक्स जो आपकी सैलरी होती है, तो सैलरी टू इनकम टू एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे जो है, या एक्सपेंस टू इनकम रेशियो जो है यहाँ पे है, एक्सपेंस टू इनकम रेशियो मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम उसके अकॉर्डिंग आफ्टर टैक्स कम है. तो एक्सपेंस टू इनकम रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं इनकम कम है उसके मुकाबले, इन कंपेरिजन टू इंडिया जहाँ पे एक्सपेंस टू इनकम रेशियो कम है, मतलब आपके एक्सपेंसेस कम हैं रेदर देन इनकम आपकी ज्यादा है. एवरेज अगर आप देखा जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियनियर्स और करोड़पति अरबपति, मैं अंबानी की बात नहीं कर रहा, हम जैसे मिडिल क्लास की लोगों की बात कर रहा हूँ. तो इवन ये भी कहा जाता है कि अगर इफ़ यू हैव टू अर्न द मनी देन यू हैव टू मूव टू यूएस और कनाडा, अदरवाइज अगर अच्छी लाइफ चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, पैसे की इतनी वो नहीं है, तो कम टू यूरोप. तो That's all. हमारे ये सारे एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छे, बहुत सारे कंट्रीज घूम के आए, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हमने आपको सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स गिना दिए हमारे एक्सपीरियंस के. ऑब्वियसली पॉजिटिव ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टिल हियर. बट ऐसा नहीं है कि मतलब लोग यहाँ से वापस भी काफी लोग, हाँ, मतलब कुछ लोग को, बहुत लोगों को नहीं समझ आया है, इवन हम लोग भी श्योर नहीं है कि अभी कितने टाइम हम लोग, आई मीन दिस इज ओपन क्वेश्चन टू अस कि हम लोग कितने टाइम यहाँ पे हैं, हमें भी नहीं पता अभी, अभी हमने नहीं डिसाइड किया, या कह लो वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एट द मोमेंट. एवरी ईयर वी थिंक दैट नेक्स्ट ईयर वी आर गोना मूव, मतलब इंडिया से आगे थोड़ा लगता है यार चल लेते हैं, बट फिर धीरे धीरे जैसे सेटल होने लगते हैं तो ठीक लगता है. तो वही है कि अगर आप जर्मनी आए हैं तो घूमते रहिए, वॉक पे जाइए, अपने आसपास की ब्यूटी को एंजॉय करिए, फ्रेंड्स बनाइए, वीकेंड पे घर पे मत रुको, घर पे कहीं ना कहीं चले जाओ अगर आपके बेबीज हैं, क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वीकेंड पे लगेगा कि यार कहीं बाहर जाना चाहिए. और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जैसे लोग कहते हैं कि बेबी हो जाते हैं उसके बाद घर में ही रहना, नहीं भाई, यहाँ पे अभी हम लोग वॉक करके आए थे, एक साल छह महीने के लोगों को, हाँ, बच्चों को लोग लेके घूमते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग बच्चे बाहर घूमें ताकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, वो बाहर के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डेवलप हो, जो कि इंडिया में मतलब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, लोग झिझकते हैं कि बच्चों को बाहर ले जाने से, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है. तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज वी मतलब बच्चे नहीं है तभी आप इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बच्चे हैं तब भी आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन इंजॉय करना जरूरी है अगर आप एक्सपर्ट्स हो, अदरवाइज आप बोर होने लगोगे, फिर फ्रस्ट्रेट होने लगोगे. वैसे यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रहती है, मीटअप्स होती हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप कनेक्ट हो सकते हो उनसे. अगर आप जर्मनी में न्यू हो, आप अकेले हो, तो यू कैन सर्च फॉर दोस काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड देन यू कैन एंजॉय विद अ कंपनी. तो यस, तो हम लोग आप से बातें करते रहेंगे, अब स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आगे बात करेंगे. एंड अभी एक और टॉपिक मेरे माइंड में है, जब वीडियो बन जाएगी तो हम डालते हैं, अबाउट योर ड्राइविंग लाइसेंस. हाँ, रिसेंटली अभी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करना बहुत
मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव भी है. मींस एवरेज जो कॉस्ट पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे 3500 to 4000 तक भी चली जाती है लोगों की. बहुत एक्सपेंसिव है. मैंने खुद लगभग 2500 यूरो पे किए. आई वाज लकी वन की क्या कहते हैं, मैंने थ्योरी टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया और प्रैक्टिकल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया. तो आई वाज रियली वन ऑफ मोस्ट लकी गाइज की मेरा निकल गया. बट ड्राइविंग लाइसेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड हॉरिबल थिंग ओवर हियर. हम लोग फेसबुक पे हम लोग ने इतने पोस्ट पढ़े कि यार लोगों का निकल ही नहीं पाता है. मतलब 3-3, 4-4, 5-5 और 10-10 साल से इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं उसके बाद ये हालत है यहाँ पे. तो खैर ऐसा क्यों होता है वो आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे. मतलब ऐसा रीजन क्या है उसका, यू विल गेट टू नो. हम डिटेल वीडियोस पे बनाएंगे. बाकी अगर आप जर्मनी मूव हो रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जर्मनी के रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल हमारा हिंदुस्तानी जोड़ा नाम से ही आप उसमें हमें टेक्स्ट कीजिए एंड वील ट्राई टू रिवर्ट यू. चलिए इस वीडियो को हैव अ नाइस वीकेंड. आप लोगों की तो रात हो गई होगी, हम लोगों की इवनिंग होगी. अब हमें खाना आना बनाना है, खाना खाना. अभी 5 बजे हैं शाम के, तो अब हम डिनर की तैयारी करते हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब ओके, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, अपना भर भर के प्यार दीजिए चैनल को. थैंक यू. और चलो बाय.